आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के गंगाधार उपखंड अधिकारी को भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में क्षेत्र में हुई अनावृष्टि एवं अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे कृषि उपज मंडी परिसर में सैकड़ों किसान हाथ में सूखी फसल लिए इकट्ठा हुए एवं भारतीय किसान संघ के बैनर तले जुलूस निकालकर उपखंड कार्यालय पहुँचे। भारतीय किसान संघ द्वारा उपखंड अधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार एवं जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष ने बताया कि क्षेत्र में हुई कम बारिश के चलते किसानों की अधिकतम फसलें नष्ट हो चुकी है। किसान के सामने गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। किसानों को होने वाली आर्थिक समस्या के चलते जल्द ही फसलों का सर्वे कराकर किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा एवं फसल बीमा राशि दिलाई जाए। इस दौरान भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों सहित क्षेत्र के सैकड़ों किसान मौजूद रहे। खबर आपकी राजस्थान से, आबिद हुसैन की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में क्षेत्र में 30 से 35 दिन से बारिश नहीं होने के कारण हमारा गंगधार क्षेत्र पूरी तरह फसलें क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उसे लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर के तले क्षेत्र के सभी गांव से किसान आए और हमारे क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करवाने के लिए और मुआवजा को लेकर और एक विशेषकर बीमा कंपनियों को बीमा जो हमारी प्रीमियम करती उसे बीमा मिले और एक हमारे क्षेत्र में बिजली कटौती को लेकर भी बहुत परेशानी चल रही है उसे लेकर आज ज्ञापन दिया और शांतिपूर्ण तरीके से सभी किसानों ने अपनी बात रखी। और मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आप अब ये समय किसानों के दुख का है और आप तुरंत प्रभाव से हमारा सर्वे करवाकर उचित मुआवजा और बीमा दिलवाने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत।